السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باوقار صدر اجلاس فاضل گرامی شیخ محمد شعیب میمن جونگڑی حفظہ اللہ، آج کی اس کانفرنس کی معزز شخصیت اور مہمان خصوصی فضیلت الشیخ شمیم احمد ندوی حفظہ اللہ، مرکز ابو الکلام آزاد اور جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دہلی کے معزز اور باوقار صدر محترم فاضل گرامی شیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، ائمہ، فتوا، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، کلیت المحسنات کا پروگرام بچیوں کی تشجیع اور تکریم کے حوالے سے اور ان کے درمیان تقسیم انعامات کے حوالے سے صبح سے لے کر کے شام تک آپ حضرات کے درمیان پیش کیا گیا. یہ اور اس طرح کے ادارے جو بچیوں کی دینی اور عربی تعلیم کے لیے قائم کیے گئے ہیں، چاہے وہ ہمارے مساجد کے حجروں میں ہوں یا مکاتب اسلامیہ کی شکل میں ہمارے اور آپ کے درمیان چلائے جا رہے ہوں، یا اسی طریقے سے وہ تمام تعلیم گاہیں اور دانشگاہیں جو ملک کے طول و عرض میں اپنی خدمات عربی اور دینی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انجام دے رہی ہیں، یہ موجودہ زمانے میں اور فتنوں کے اس دور میں جہاں چاروں طرف کفر اور الہات کا طوفان ہے، شرک و بدعات کی تلاطم خیز موجیں ہیں، ہر طرف فتنہ و فساد اور گناہ اور نفسانی خواہشات کے دلدل اور اس کی وادیاں ہیں، ان تمام چیزوں کے بیچ میں ان اداروں کا وجود، ان تربیت گاہوں کا وجود اور ان اسلامی قلعوں کا وجود، یہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہے.
अगर हम इनके साथ खड़े हैं तो गोया कि हम अपने ईमान को बचाने के लिए और अपने ईमान को तहफ्फुज़ देने के लिए खड़े हैं। अगर हम इनका सहारा इस कायनात के अंदर बन रहे हैं तो गोया कि ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये मौका, ये शरफ, ये मकाम और मर्तबा अता किया है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमारा और आपका ये काफिला, काफिले तालीम और तरबियत अपने घरों में, अपने महलों में और अपने गली और कूचों में उस हिसाब से कमतरी का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से हमने और आपने इन दानिशगाहों को और इन तरबियतगाहों को और इसमें पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों को अपनी निगाहों में वो मकाम और मर्तबा नहीं दिया, या इनको मकाम और मर्तबा नहीं दिया जा सका जो इन्हें मिलना चाहिए। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, हमारी और आपकी हिसाब से कमतरी का यह आलम है कि अगर एक ही घर के अंदर एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले दो बच्चे एक ही चार दीवारी के अंदर अंग्रेजी तालीम हासिल करने वाला एक बच्चा होता है और उसी मां की कोख से जन्म लेने वाला दूसरा बच्चा इन मदरसों की चार दीवारी में और इन मसाजिद के हुजरों में और इन लड़कियों के तालीमगाहों में आकर के हमारी बच्चियां तालीम हासिल करती है, तो हमारी वही माए, हमारे वही गार्जियन, हमारे वही सरपरस्त इन्हीं दोनों बच्चों के अंदर भेदभाव रखते हैं। उन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि अरबी तालीम की क्या अहमियत है, उन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि दीनी तालीम का क्या मकाम और मर्तबा है, उन्हें इस बात का शऊर नहीं है कि एक हाफिज़े कुरान का क्या मकाम और मर्तबा है। आज हमारी और आपकी निगाहों के सामने दुनिया की सारी तालीमगाहें और दुनिया के सारे उलूम प्रोफेशनल तिजारती नुक्ते नजर से देखे जा रहे हैं। यही हमारी और आपकी वो हिसाब से कमतरी है जो हमें और आपको, हमारे कौम को, हमारे समाज को पीछे ले जा रही है। हमने ये तसव्वुर कर लिया है कि अगर हमारा बच्चा दुनिया की तालीम हासिल करता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करता है तो उसकी जिंदगी बहुत आसान होगी, उसकी मईशत बहुत आसान होगी, उसकी दुनिया बहुत आसान होगी, वो दुनिया के अंदर तरक्की के रास्तों के ऊपर आसानी से आगे बढ़ता हुआ उसकी मंजिलों को तय करेगा। और इन मसाजिद के हुजरों में पढ़ने वाला, इन दीनी तालीमगाहों से अपना रिश्ता जोड़े रखने वाला आदमी हमारे समाज का, हमारे घरों का, हमारे महल्ले का सबसे पसमादा तरीन इंसान होगा। इस एहसास कमतरी से अगर हम और आप नहीं निकले तो हम ईमान का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, हम अपने अकीदे का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, हम अपनी तौहीद का तहफ्फुज़ नहीं कर सकते, हम अपनी कौम का, अपनी मिल्लत का बचाव नहीं कर सकते। इस एहसास कमतरी से हमें और आपको निकलना हो। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, आज के मौजूदा जमाने में दुनिया आला टेक्नोलॉजी, दुनिया मॉडर्न जुबान, दुनिया मॉडर्न कल्चर, दुनिया मॉडर्न तहजीब की दिलदादा होती जा रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज भी ये हिसाब से कमतरी जो हमारे और आपके जहनों में है उस हिसाब से कमतरी को हमें और आपको छोड़ना होगा। यह अरबी जुबान जो हमारे और आपके बच्चे हासिल कर रहे हैं मदारिस की चार दीवारी में, उनको अरबी जुबान की, अरबी लैंग्वेज की तालीम दी जा रही है। आज की दुनिया में, आज के मौजूदा माशरे में पूरी दुनिया की जो छह सबसे बड़ी जुबानें हैं, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो चाइना की जुबान हो, चाहे वो और कोई जुबान हो, उन छह जुबानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से अरबी जुबान को भी एक दर्जा और एक मकाम हासिल है।
अरबी जुबान बोलने वाले, अरबी जुबान पढ़ने वाले, अरबी जुबान लिखने वाले, आज आप इंटरनेट के जरिए से चेक करें, आपको ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर 500 मिलियन से ज्यादा लोग इस रूए जमीन पर ऐसे हैं जो अरबी जुबान बोलते हैं, अरबी जुबान पढ़ते हैं और अरबी जुबान लिखते हैं। और इसी की अहमियत के पेश नजर जो दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है जिसको अक्वामे मुत्तहदा कहा जाता है, अक्वामे मुत्तहदा की जो प्रोफेशनल जुबानें हैं, जो ऑफिशियल जुबानें हैं, उन ऑफिशियल 6 जुबानों में अरबी जुबान को भी एक दर्जा और एक मकाम दिया गया है। उसका मतलब यह होता है कि अगर पूरी दुनिया के मसाइल में अंग्रेजी जुबान में अक्वामे मुत्तहदा में कोई बहस चल रही है, कोई लेक्चर हो रहा है, तो उस लेक्चर का ट्रांसलेशन लाइव जर्मन जुबान में भी होगा, चाइना जुबान में भी होगा, अंग्रेजी जुबान में भी होगा, फ्रांसीसी जुबान में भी होगा, और उसी के साथ साथ अरबी जुबान के अंदर भी उसका लाइव ट्रांसलेशन होगा। और ऑफिशियली एतबार से जो करारदादे पास की जाती है इन तमाम 6 बड़ी जुबानों में, उसको दफ्तरी शक्ल में, ऑफिशियल शक्ल में इन तमाम चीजों को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, और अरबी जुबान भी उन जुबानों में से है जिसमें इन तमाम चीजों को लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। हम और आप इस हिसाब से कमतरी के अंदर जी रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी मार्केट करने वाली, पूरी दुनिया के अंदर जो हाईटेक सिटियां, पूरी दुनिया के अंदर जो कंप्यूटर की कंपनियां, आपके हाथों में जो मोबाइल है, आपके हाथों में जो मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाया जा रहा है, आपके हाथों में मोबाइल पर जो फेसबुक का पेज है, इन तमाम कंपनियों में भी आज काम करने वाले, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहने वाले हमारे और आपके समाज के और घरों के वो बच्चे हैं जिन्होंने अरबी जुबान सीखा है और अरबी जुबान पढ़ा। मेरे भाइयों, इस हिसाब से कमतरी से हमें और आपको निकलना होगा कि अरबी तालीम हासिल करने से, अरबी जुबान पढ़ने से हमें और आपको समाज और मुआशरे के अंदर कोई मकाम नहीं मिलता है, नौकरी के चांसेस नहीं है, रोजी के चांसेस नहीं है, जॉब नहीं मिलता है, कंपनियां हमें ऑफर नहीं देती है, दुनिया के अंदर हमारी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मैं कोई ये 10-20 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आज के करंट पोजिशन की बात कर रहा हूं। आप चले जाइए पुणे हाईटेक सिटी, आप चले जाइए हैदराबाद हाईटेक सिटी, आप चले जाइए बेंगलोर हाईटेक सिटी, आपके इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो हाईटेक सिटियां हैं, जहां बाहर की कंपनियां अपनी ऑफिसें, अपनी ब्रांचें बना करके रखती हैं, उन ऑफिसों और उन ब्रांचों के अंदर जहां अंग्रेजी जुबान के लिए रिक्वायरमेंट है, जहां दुनिया की दूसरी जुबानों के लिए रिक्वायरमेंट है, वहां आज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल व तौफीक से अरबी जुबान के लिए भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट मौजूद है। और हमारे वो बच्चे जो मदारिस से फारिग हो रहे हैं और मदारिस के साथ साथ उन्होंने अपने अंदर टैलेंट पैदा किया है, अरबी जुबान में उन्होंने महारत हासिल की है, अरबी जुबान में उन्होंने अपने आप को कुछ बनाया, आज हमारी कौम का रोना यह है कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको टैलेंट पैदा करना होगा। आज दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, आज मार्केटिंग की दुनिया है, हमारे मुसलमान बच्चों को खड़ा होना होगा, हमारे नौजवान बच्चों को अपने हुनरमंदियों को, अपनी सलाहियतों को तालीम के हवाले से दुनिया के सामने मार्केट में पेश करना होगा और कंपटीशन को दुनियावी एतबार से फाइट करना होगा। ये टैलेंट हमारे बच्चों के अंदर मौजूद है, लेकिन उन बुरी सोहबतों का किया किया जाए, समाज के उन नाकारा तबके को किया किया जाए जो सिर्फ हमारे बच्चों को बिगाड़ने के लिए, हमारे नौजवानों को बिगाड़ने के लिए, उनके जहनों को खराब करने के लिए, उन्हें तालीम से दूर करने के लिए, उन्हें अच्छी तरबियत से दूर करने के लिए, उन्हें तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको पसमांदगी की तरफ ले जाने के लिए आमादा और तैयार रहते। वो बुरी सोहबतें जो हमारे और आपके गली और कूचों के अंदर चल रही है, चाहे वो हमारे और आपके बच्चे हो, चाहे वो हमारे और आपके कौम और समाज के बच्चे हो, आज देखिए आप रेशू देख लीजिए, पान खाने का रेशू आप देख लीजिए,
गुटका खाने का रेशू आप देख लीजिए, क्रिकेट खेलने का रेशू आप देख लीजिए, क्रिकेट देखने वालों का रेशू आप देख लीजिए, उन तमाम लग और लायानी चीजों का रेशू जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी तौहीद से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, इस दुनिया में हमारी तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी रोजी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे घरों के बनाव और बिगाड़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे मुसलमान बच्चों का परसेंटेज इसमें सबसे हाई है। बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, अगर हम ना बेदार हुए तालीम के ताल्लुक से और इस हिसाब से कमतरी से अगर हमने अपने आप को नहीं निकाला, अपने जहनों के अंदर इस हिसाब से कमतरी को जो हमने और आपने पैदा कर लिया है इसका खात्मा नहीं किया। मैंने अभी पिछले साल अपने अफसर से अपने महल्ले या बाद महलों का एक छोटा सा सर्वे किया, मैं ये बता करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। हमारे महल्ले में अंग्रेजी तालीम याफ्ता बहुत सारे बच्चे थे, 15-20 बच्चे, कोई बीएससी किया हुआ, किसी ने बी फार्मा किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने 12वीं का कोर्स किया हुआ है, कोई और बीए ग्रेजुएशन है, किसी ने और पैथोलॉजी का कोर्स किया हुआ है। उनमें से 90% बच्चों से मैंने खुद दरियाफ्त किया और पूछा तो पता चला कि इन तमाम असली तालीम की आला डिग्रियों के बावजूद इन बच्चों के पास कोई जॉब नहीं है, इन बच्चों के पास कोई नौकरी नहीं है, इन बच्चों के पास काम करने के लिए फील्ड में कोई जगह नहीं है। और उसी महल्ले में रहने वाले बाद हाफिज कुरान से मैंने पूछा, बाद उलमा से पूछा, बाद मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों से पूछा, ये लॉकडाउन के पहले की बात है, तो पता ये चला कि उसमें 90% मदारिस से फारिग होने वाले बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व तौफीक है कि वो बरसरे रोजगार है, चाहे 12,000 की सैलरी हो, चाहे 15,000 की सैलरी हो, चाहे 18,000 की सैलरी हो, कम अज कम वो अपनी रोजी पर लगे हुए हैं, किसी मस्जिद में दीन का काम कर रहे हैं, किसी मकतब में बच्चों की, हमारे कौम और नौनिहालों के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने और उनको तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेरे भाइयों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि समाज और माशरे में हमने और आपने जो तसव्वुर जहनों के अंदर कायम कर लिया है दुनियादारी के ताल्लुक से, असरी तालीम के ताल्लुक से, मॉडर्न तहजीब के ताल्लुक से, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूं। आप दुनिया की तालीम हासिल कीजिए, आला टेक्नोलॉजी हासिल कीजिए, लेकिन ये जो तसव्वुर हमारे जहनों के अंदर है इस तसव्वुर से हमें और आपको निकलना होगा, इस तसव्वुर से हमें और आपको निकलना होगा, और हर आदमी को अपनी मसूलियत और अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। एक बच्चा कन्वेंट स्कूल में जाता है तो उसका बैग 5,000 का होता है, उसका सूट बूट 5,000 का होता है, उसकी फीस मंथली 5,000 होती है, उसके कपड़े के ऊपर कितना खर्च किया जाता है, उसको डेकोरेशन करने के लिए कितना खर्च किया जाता है, उसको सजाने के लिए रोजाना तैयार करने के लिए कितना खर्च किया जाता है, और उसी घर के अंदर दूसरा बच्चा अगर मकतब में जाता है, कुरान मजीद सीखता है, दीनी तालीम हासिल करता है, तो उसके पीछे अथन्नी और चवन्नी खर्च करना भी उस बाप के लिए, उस सरपरस्त के लिए, उस माँ के लिए, उस बहन के लिए, हमारे और आपके लिए मुश्किल हो जाता है जिसने अपने हाथों से दूसरी तरफ अपने दूसरे बच्चे पर इतनी लंबी रकम खर्च की है। मेरे भाइयों, इसी एहसास कमतरी से हमें और आपको निकलना, ये दीन अल्लाह की इबादत, ये दीनी तालीम अल्लाह की इबादत है, इसे हम और आप प्रोफेशनल तरीके से ना देखें। इस दुनिया के अंदर जब तक ये लोग दीन को पढ़ने वाले, दीन को समझने वाले, दीन को सीखने वाले, दीन का तर्क रखने वाले, अपने तौहीद और ईमान के ताल्लुक से फिक्रमंदी रखने वाले लोग मौजूद नहीं होंगे, इनका वजूद नहीं होगा, तो हमारी और आपकी डिग्रियां हमें और आपको ना तो दुनिया के अंदर फायदा पहुंचा सकती है और ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कयामत के दिन हमें और आपको इसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कोई निजात मिल सकती है। इसलिए मेरे भाइयों, तालीम और तरबियत के हवाले से मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हम एहसास कमतरी से निकलें, अपनी मसूलियत को समझें, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की मसूलियत समझें। अगर हम उनके दुनिया बनाने के लिए फिक्रमंद है, बहुत अच्छी बात है, उनके हर मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए फिक्रमंद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी फिक्रमंदी ये भी होनी चाहिए
कि उनका दीन सही हो जाए, हमारी फिक्रमंदी ये भी होनी चाहिए कि उनका ईमान सही हो जाए, हमारी फिक्रमंदी ये भी होनी चाहिए उनका अकीदा सही हो जाए, हमारी फिक्रमंदी ये भी होनी चाहिए कि उनका अखलाक अच्छा हो जाए, और हमारी फिक्रमंदी ये होनी चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर वो तरक्की के मनाजिल के साथ अपनी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन से और अल्लाह की मारफत से, अल्लाह की तौहीद से और अल्लाह की आखिरत से जोड़ ले। अगर ये हम न कर सके, ये जिम्मेदारियां हमने ना अंजाम दी, तो कयामत के दिन हमारी और आपकी सबकी बात फुर्स होगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको तालीम और तरबियत के ताल्लुक से ये जिम्मेदारियां अंजाम देनी पड़ेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीनी तालीम के ताल्लुक से वो शुऊर और आगही अता फरमा जो हमें और आपको दुनिया के अंदर बस्तियों से निकाल करके दुनिया की तरक्कियों में और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नजात और उखरवी सआदत का जरिया और सबब बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन नौनिहाल बच्चों को और खास तौर पर उन बच्चियों को जो कुलियतुल मुहसनात से फारिग तहसील हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हसीन मुस्तकबिल अता फरमा, और उन्होंने जो दीनी तालीम हासिल की है अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसे उनके लिए खैर का, नफा का, दुनिया की कामयाबी का, आखिरत की कामयाबी का जरिया बना, उनके वालदैन सरपरस्तों के लिए और कौम के तमाम लोगों के लिए खैर का, भलाई का जरिया और सबब बना। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।